कराल वदनाम घोराम मुक्त केशीम चतुर्भुजाम दक्षिणाम कालिकाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ सूरमा की धरती राजस्थान, जहां कण कण में वीरता साहस त्याग और बलिदान की गाथाएं लिखी पड़ी हैं। भारतीय इतिहास में चित्तौड़ का अपूर्व योगदान रहा है। राजपूतों ने अपने बुलंद कारनामों से लोगों को चौंका दिया है। जब जब चित्तौड़ पर आक्रमण किए गए, तब तब वीरता और शौर्य के अद्भुत प्रदर्शन हुए। यहां हठीले राजपूतों की परंपराएं केसरिया पहनकर मृत्यु को गले लगाती रही है। मेवाड़ की पवित्र भूमि है, जिसके कण कण में महाराणा प्रताप से वीर, भामाशाह से दानवीर, राणा सांगा का पराक्रम, हमीर हट, गोरा बादल के बलिदान, पद्मिनी का जौहर, मीरा से भक्त, राणा कुंभा का संगीत आदि भुलाए नहीं जाते। लेकिन स्वामी भक्त पन्ना दहाई का बलिदान एक उदाहरण अनूठा ही है। महाराणा विक्रमादित्य 1531 में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। राजकार्य में अभी लड़कपन था, सरदार अप्रसन्न थे। 1533 में गुजरात के सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाराणा ने मालवे के कई परगने देकर लौटा दिया, परंतु 1535 में बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण किया। लड़ाई कई दिनों तक चली। बहादुर शाह पूरी तैयारी से आया था। राणा की सेना को पीछे हटना पड़ा। तभी एक दिन सेनापति राणा के पास आते हैं। बनवीर को तुम नहीं ला सके? पता चला है अन्नदात कि वो एक जगह रुकते नहीं। क्या मतलब? जब से आपके स्वर्गीय पिता ने उन्हें चित्तौड़ से निकाला है, वो एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने आते जाते रहते हैं। क्या उसे पता नहीं कि चित्तौड़ की गद्दी पर अब राणा विक्रमादित्य बैठा है? वो मेरा बचपन का साथी, मेरा दोस्त, मुझे भूल गया? अन्नदात, बनवीर सिंह है तो आखिर दासी पुत्र ही ना।
उनसे और क्या आशा की जा सकती है। महाराणा की जय हो। ओ सेनापति विजय सिंह, लड़ाई के क्या समाचार हैं? खबर अच्छी नहीं है नदार। बहादुर शाह की फौजों ने हमारी सेना को पीछे खदेड़ दिया। हमारे कितने ही सरदार लड़ाई में काम आ चुके। हमारी सेना पीछे हटकर चारों तरफ तितर बितर हो गई है। क्या बकते हो सेनापति, हमारी सेना पीछे हट गई? सिसोदिया लड़ाई के मैदान से पीछे हट जाए, ये मेवाड़ के लिए बड़े शर्म की बात है। बात ऐसी नहीं है नदार, हमारी फौज किसी से कम नहीं है। हमारे एक एक ने चार चार को मारा है, लेकिन हम कहीं कमजोर पड़ते हैं तो सिर्फ एक जगह। हमारे दो तो उनके दस। उन्हें हराने के लिए हमें हमारी फौज की संख्या बढ़ानी होगी। बहादुर शाह की फौज से मुकाबला नहीं कर सके, उन्हें हरा नहीं सके तो तुम यहां चले आए? दुश्मन सर पर सवार है और तुम्हें मदद चाहिए। यहां आने से पहले तुम चिल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं गए? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ, अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। जाओ। क्या कहा राणा जी ने? राणा ने कोई भी मदद देने से साफ इनकार कर दिया, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया, सबके सामने मेरा अपमान किया। आखिर राणा जी को हो क्या गया है? उन्हें चित्तौड़ का भी ध्यान नहीं? और अब करना क्या चाहिए? कुछ नहीं, जैसे कई और सरदार राणा को छोड़कर चले गए वैसे मैं भी जा रहा हूं। चित्तौड़ अब हमारे लिए नहीं रहा। विजय सिंह ठीक कहते हैं, जब तक विक्रमादित्य सिंहासन पर है हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, राणा चित्तौड़ की मदद नहीं करेंगे, बस उन्हें तो अपने ऐशो आराम चाहिए। अब हम भूल कर भी राणा के साथ नहीं लड़ेंगे। हाँ, हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। पन्ना दाई, अब आप जाइए बाहर खेलिए। चंदन संभाल कर खेलना, गिरना नहीं। जाइए, तुम घबराओ मत माँ, किसी को कुछ नहीं होगा। चलिए। क्या बात है राजमणि? पन्ना धाई, बहुत बुरी खबर सुनकर आई हूँ। ऐसी भी क्या खबर है? मैंने अपने कानों से सुना है, सेनापति जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे विजय? यही कि राणा जी ने उनका सबके सामने अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है और उन्हें किसी भी तरह की सहायता देने से साफ इनकार कर दिया है। मैं सच कह रही हूँ अंदाज, सरदारों ने फैसला कर लिया कि वे राणा जी के लिए नहीं लड़ेंगे। माहौली में पहले ही बहादुर शाह से हम हार खा चुके हैं और अब अगर हमने उसे नहीं हराया तो वो जरूर चित्तौड़ पर हमला करेगा और मेवाड़ खतरे में पड़ जाएगा। समझ में नहीं आता विक्रम की बुद्धि को क्या हो गया है। वो ये क्यों नहीं समझता कि मेवाड़ के प्रति उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप उन्हें समझा कर देखिए अंदाज, मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी बात जरूर सुनेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। उन्हें मेरा संदेशा दे दो, कहो मैंने यहां बुलाया है। खम्मा बड़ो हुकुम, आपने मुझे याद किया? हाँ, ये बताने के लिए कि अब तुम एक राजा हो, प्रजा के रक्षक हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमने सेनापति विजय सिंह का अपमान क्यों किया? मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने सबके सामने उनका अपमान किया है। वो है ही इसी लायक, मैं नहीं समझता कि वो एक योग्य सेनापति है। अच्छा, तुम में कौन सी योग्य? सिंहासन पर बैठना बड़ा आसान काम है बेटा, लेकिन राज्य का काम संभालना उतना ही मुश्किल। सेनापति विजय सिंह तुम्हारे पिता के समय से हैं, तुम उनके सामने एक बच्चे हो। तुम्हें राज्य के सरदारों उमराओं की मदद की कीमत समझनी चाहिए। मेरा कहा मानो, जाओ उनसे क्षमा मांग लो, उन्हें जो मदद चाहिए दे दो। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्षमा मांगने से तो मैं मर जाना अच्छा समझता हूं। मैं कोई मदद नहीं करूंगा। चित्तौड़ की आन और मेवाड़ की मर्यादा के लिए भी नहीं? धिक्कार है विक्रम तुम पर, धिक्कार है मेरी कोख पर, जिसे ऐसे डरपोक और कायर बेटे ने जन्म लिया। दूर हो जा,
चला जा मेरी आंखों के सामने से। बात का मुझे डर था वही हुआ। विक्रम ने, मेरे बेटे ने, मेरे खून ने मेरी ही सलाह मानने से इनकार कर दिया, मेरी सलाह ठुकरा दी। ऐसे बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती है? चित्तौड़ हमेशा से सिसोदियों का रहा है, लेकिन अब उसके दिन पूरे हो गए लगते हैं। मैं ये नहीं देख सकूंगी पन्ना, मैं ये नहीं देख सकूंगी। नहीं नहीं अंदाज, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब वो समय आ गया है जब आपको राज की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आप चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ, ये कैसे होगा पन्ना? मेरी बात सुनेगा ही कौन? मैं कर ही क्या सकती हूँ? विजय सिंह और उनके साथी, वे भले ही राणा के लिए ना लड़े, लेकिन आज भी आपको मानते हैं, आपके सिद्धांतों को पूछते हैं। हाँ, आप एक बार उनसे बात करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है वे अवश्य अपना इरादा बदल लेंगे। हाँ, शायद शायद तुम ठीक कहते हो, ठीक कहती हो पन्ना। खम्मा बड़ हुकुम। अमल खान सिंह, क्या बात है? आपके लिए राजमाता सानी संदेशा भेजा है। राजमाता? क्या लिखा है विजय? विजय सिंह जी और मेरे आज्ञाकारी सरदार, मेरे पुत्र विक्रमादित्य ने सबके सामने विजय सिंह जी का अपमान किया, उनके साथ बदतमीजी की और आप लोगों की सलाह मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुझे बहुत दुख है और राणा की तरफ से मैं आप लोगों से क्षमा याचना करती हूँ। नहीं नहीं राजमाता साहब, नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आपका एक इशारा ही हमारे लिए बहुत है। आगे सुनिए, आप लोग राणा के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। राणा जी अभी नादान हैं, ना समझ हैं और हठी हैं। राज के कार्य से अभी वो बहुत दूर हैं। वो अगर बचपना करते हैं और उनके रूठने से हम उनसे दूर होकर बैठ जाएं, तो इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, बल्कि सिसोदिया वंश पर एक धब्बा लग जाएगा, जिसका जिम्मेदार और कोई नहीं, हम सब होंगे। मेरा आप लोगों पर पूरा भरोसा है और विश्वास रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। आप लोगों ने मेवाड़ के लिए हमेशा उचित ही सोचा है और किया है। ऐसी परीक्षा की घड़ी में यदि हम अपने ही घर में झगड़ते रहें, अपने ही हाथ पकड़े रहें, तो यह निश्चित है कि सिसोदिया वंश का अंत दूर न होगा। इसलिए इसके पहले कि ऐसा कुछ हो, मैं मेवाड़ की रक्षा का भार आप लोगों के कंधों पर सौंपती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग मेवाड़ को बचाने में सफल होंगे। जय एकलिंग, रानी कर्मावती। धन्य हो राजमाता, धन्य हो। हम आवेश में आकर ये भूल गए थे कि जब तक मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षा के लिए आप जैसी वीरांगनाएं जिंदा हैं, चित्तौड़ का भविष्य अवश्य चमकेगा। हम राणा के लिए नहीं, आपके लिए और मेवाड़ के लिए अवश्य लड़ेंगे। हम राजमाता जी की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। उन्होंने हम पर विश्वास किया, हमें अधिकार दिया, हम उसे अपनी जान देकर भी अवश्य पूरा करेंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। अब समय बहुत कम है, हमें फौरन तैयारी शुरू करनी चाहिए। आप मेवाड़ के नौजवानों को सेना में भर्ती करवाने के लिए इंतजाम करवाएं। अन्नदात, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो भार आपने मेरे कंधों पर सौंपा है उसे मैं पूरा कर सकूं। हमें आप लोगों से यही आशा थी। सिसोदियों की लाज और मेवाड़ की शान पर आंच न आने देना। अन्नदात, एक विनती है। कहिए।
क्या बात है? राणा जी और उदय सिंह जी का यहाँ रहना उचित नहीं। हम समझते हैं कुछ दिनों के लिए उन्हें बूंदी बेच दिया जाए, वे वहां ठीक से निश्चिंत रहेंगे और फिर इधर हम संभाल लेंगे। मैं इस बात का जवाब आपको सोचकर दूंगी। जय एकलिंग नाथ। जय एकलिंग। अन्नदात, आपको बहुत दुख पहुंचा है ना? हाँ बन्ना, मैं सोच नहीं पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है विजय सिंह जी ने ठीक ही फरमाया है, ऐसे कठिन समय में राणा जी का यहां रहना ठीक नहीं है। वे कभी भी विजय सिंह जी के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना होगा। लेकिन पन्ना जी अंदाज, उनके साथ तुम्हें बूंदी जाना होगा। मुझे? मतलब आप यहां अकेली रहेंगी? हाँ पन्ना। नहीं अंदाज, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आपको यहां अकेला नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पास रहूंगी अंदाज, मैं आपके पास रहूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है पन्ना, तुम्हें मेरे बच्चों की रक्षा करनी है, तुम्हें उन्हें संभालना है। एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है, तुमसे मुझे आशाएं हैं, मेरा तुम पर विश्वास है पन्ना। मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी अंदाज, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। इस समय हमें अपनी नहीं मेवाड़ के भविष्य की चिंता करनी है, इसलिए राणा और उदय को उनकी रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंप रही हूं पन्ना। हमें उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। मैं समझ गई अंदाज, ऐसा ही होगा। अब क्यों नहीं बचूंगा? अब कैसे नहीं बच सकते? वो ये क्या? वो देखो, वो मुझे बचाएंगी। अनदास माँ, ये क्या हो रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हम लड़ नहीं रहे हैं। तो ये क्या हो रहा? हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी? किसे लड़ने की? बहादुर शाह से। अरे वाह, तुम तो बड़े बहादुर हो। मैं चित्तौड़ के लिए अपनी जान भी दे दूंगा अन्नदात। मैं और चंदन बहादुर शाह से लड़ेंगे। नहीं हुकुम, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? इसलिए कि अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप ही को चित्तौड़ के लिए लड़ना होगा, और कौन लड़ेगा? पन्ना ठीक कह रही है, अभी आप बच्चे हैं। उदय, इस समय तो चलने की तैयारी करो। कहाँ जाना है माँ? बूंदी। बूंदी अभी चलेंगे ना? नहीं, मैं नहीं, पन्ना आपके साथ जाएगी। और चंदन? हाँ, चंदन भी जाएगा। तब तो ठीक है, मैं भी जाऊंगा। चलो चंदन। बात की शंका थी कि विक्रम शायद बूंदी जाने से इनकार कर दे, लेकिन लगता है कि उसे अपने किए पर दुख है। चलो अच्छा हुआ राणा जी ने आपकी बात मान ली। अन्नदात, मेरा मन आपको छोड़कर जाने को नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी कितनी जरूरत है। तुम ये क्यों भूल जाती हो पन्ना कि मेरे बच्चों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है? मैं उनकी माँ जरूर हूं, लेकिन पन्ना तुम भी तो उनकी माँ से कम नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो पन्ना, मेवाड़ के सारे सरदार मेरे साथ हैं। मैं अकेली थोड़ी हूं। और फिर मैंने शहंशाह हुमायूं को राखी जो भेज दी है, मुझे विश्वास है वो मेरी मदद को जरूर आएंगे। जाओ पन्ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ।
मैंने मेवाड़ का भविष्य तुम्हारे हाथों सौंप दिया है पन्ना। मैं भगवान से आपकी कुशलता और चित्तौड़ की विजय की प्रार्थना हमेशा हमेशा करती रहूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। उदय और चंदन तो सो गए, लेकिन पन्ना, पन्ना की आंखों में नींद नहीं थी। उसे तो रह रहकर चित्तौड़ की चिंता लगी थी। अन्नदात, आप किस हाल में होंगी? भगवान करे शहंशाह हुमायूं जल्द आपकी मदद के लिए आए। हिमायत ने रानी कर्मावती के कॉल को पूरा कर दिया। अब मेवाड़ की राजधानी पर उन्हीं का हक रहेगा इंशाअल्लाह। शहंशाह की जय, चित्तौड़ की जय। बड़ी बुरी खबर है पन्ना दाई, हमारी सेनाओं को फिर से मात खानी पड़ी। हम फिर हार गए। अंधात पर क्या बीती होगी? कुछ ना पूछो पन्ना दाई, कुछ ना पूछो। क्या बात है, आप बोलते क्यों नहीं? उन्होंने जोहर कर लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप सच नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूं। नहीं, हिम्मत से काम लीजिए पन्ना दाई, यही समय तो हिम्मत से काम लेने का है। आप समझती हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा? आज सारा मेवाड़ रो रहा है उनके लिए। क्यों, शहंशाह हुमायूं ने मदद नहीं भेजी? काश वो समय से पहुंच पाते, उनको आने में देर हो गई। देर हो गई? हाँ पन्ना दाए, अन्नदात का संदेशा ही देर से पहुंचा उनको, लेकिन उनके रण में आते ही बहादुर शाह की फौजों के पैर उखड़ गए। पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, अब मुझे राणा जी को खबर करनी है। अन्नदात,
बेवाड़ अंधेरे में हो गया है। आप हमें अनाज छोड़ गई, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? महाराणा विक्रमादित्य की जय। महाराणा विक्रमादित्य की जय। हमें खुशी है कि हमारे बहादुर सरदारों ने जान हथेली पर रखकर चित्तौड़ को बचा लिया। चित्तौड़ हमारा है और हमारा ही। महाराणा विक्रमादित्य की जय। महाराणा विक्रमादित्य की जय। जो लोग लड़ाई में मारे गए हैं उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी विधवाओं को और उनके रिश्तेदारों को हमारे तोशे खाने से हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। महाराणा की जय। महाराणा की जय। महाराणा विक्रमादित्य की जय। मेवाड़ अमर रहे। बनवीर, बनवीर सिंह मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया, कहां चले गए थे तुम? अन्नदात, मैं भटकता रहा पर कहीं भी शांति नहीं मिली। बस यूं समझिए एक जगह से दूसरी जगह, पर जहां भी रहा आपकी भलाई और मेवाड़ की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। चलो तुम आ गए, ये क्या कम है? अब यहां रहो मेरे पास, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मौज करो, आओ मेरे साथ। मौज तो करूंगा हाँ, लेकिन चैन मुझे उस दिन जब चित्तौड़ की गद्दी पर मैं बैठूंगा। पन्ना भाई, कुछ सुना आपने? क्या बनवीर सिंह वापस आ गया है? सिंह, वो बदमाश, उसे तो मेवाड़ से निकाल दिया गया था। राणा जी ने ही बनवीर को बुलाया है और आजकल उसे अपने साथ ही रखते हैं। ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये कमीना जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा। सब लोग यही कहते हैं कि बनवीर एक अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, पूरा आस्तीन का सांप है सांप, न जाने कब डस ले। मुझे तो चित्तौड़ पर काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। हे एकलिंग जी महाराज, क्या होने वाला है? बनवीर, राणा मेरी मुट्ठी में है और फिर वो है भी तो बिल्कुल ना समझ। तेरे रास्ते का कांटा राणा विक्रमादित्य और उसका भाई उदय सिंह है। यही वक्त है जब तू अपना काम कर सकता है, यही वक्त है जब तू अपना काम कर सकता है। पन्ना दाई उठो, पन्ना दाई उठो जल्दी। क्या हुआ? पनवीर ने राणा जी की हत्या कर दी। पनवीर ने राणा जी की हत्या कर दी? तुम्हें कैसे पता चला? बारी बारी ने बताया। मैं बर्तन साफ कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से पनवीर को राणा जी के कमरे से बाहर जाते हुए देखा है। उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी, वो इधर ही आ रहा है। सुनो राजमणि, तुम जल्दी से जाकर एक खाली टोकरी लेकर आओ और एक फल से भरी हुई टोकरी भी, जल्दी जाओ। और सुनो, बारी को साथ लेकर आओ, जल्दी जाओ। उठो उठो हुकुम, जल्दी करिए। क्या बात है पन्ना दाई? बताने का समय नहीं, टोकरी में आपको टोकरी में बैठना है। टोकरी में? बताने का समय नहीं, जल्दी करिए। लेकिन क्यों? कोई आपकी जान लेना चाहता है, आपको मार डालना चाहता है, इसलिए मैं आपको दूर भेजना चाहती हूँ जहाँ आप सुरक्षित रह सके। जल्दी करिए। कौन मुझे मारना चाहता है? अभी बताने का समय नहीं, जल्दी करिए। ये सब क्या हो रहा है पन्ना?
राजमणि, तुम पीछे के रास्ते से बाग में निकल जाओ, मैं भी आती हूं। का भविष्य तुम्हारे हाथों सौंप दिया है पन्ना। कहाँ है उदय? मैं चित्तौड़ के लिए अपनी जान भी दे दूंगा नदा। मैं पूछता हूं, बताती है कि नहीं? ये है मेरे रास्ते का आखिरी कांटा। आज राणा वंश का नाश हो गया। अब चित्तौड़ बनवीर का होगा। मेवाड़ बनवीर का होगा। बनवीर यही समझता है कि उसने उदय को मारा है। उदय को, उदय को, उदय। पन्ना दाई, आपने अपनी बेटी की बलि दे दी। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। पन्ना दाई, चंदन मरा नहीं, मरकर अमर हो गया। शायद एक लिंग महाराज की यही इच्छा थी। अब हमें चलना चाहिए। छोट सरकार कहाँ है? आराम कर रहे हैं। एक दो बार आपको पूछा, लेकिन छोटे सरकार चंदन को बहुत याद कर रहे थे। कहाँ है? आइए मेरे साथ। मैं वहीं छोड़ा ही बेटा। उसे जल्दी बुलाइए, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब वो नहीं आएगा। क्यों? बनवीर ने चंदन और राणा दोनों को मार डाला है। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। इसीलिए मैं आपको टोकरे में छुपा कर लाई। और जब वो आपको चंदन की तरह मार डालता और
पर मुझे रानी मां कभी माफ नहीं करती। एक दिन मैं अपने भाई और दोस्त चंदन का बदला जरूर लूंगा। चंदन मेवाड़ पर शहीद हुआ है, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चलो बेटा चलो, हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मुझे पूरा विश्वास कि कोई न कोई बहादुर सरदार या उमराव हमें खुशी से शरण देगा। चलो चलो। इस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर पन्ना धाए उदय सिंह को लेकर किसी और सरदार या उमराव के पास न जाकर वे सीधे किलेदार आशासा के पास कुंभलगढ़ जा पहुंची। बड़ा हुकुम, चित्तौड़ से पन्ना धाय पधारी हैं। पन्ना धाय चित्तौड़ से? अंदर भेजो। हुकुम। खम्मा बड़ो हुकुम। पन्ना धाय, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना, और इस हालत में यहां कैसे पहुंची? बेसहारा होकर भी आस नहीं छोड़ी बड़ो हुकुम, और आप तक आ पहुंची। उस कमीने बनवीर ने राणा और उदय को धोखे से मार डाला, राणा वंश का नाश कर दिया। इकलिंग महाराज की कृपा से राणा वंश का नाश करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन बनवीर ने तो दोनों को मार डाला था, फिर कौन रह जाता है राणा वंश में? काश ऐसा होता। ऐसा होता नहीं बड़ो हुकुम, ऐसा ही हुआ है। राणा वंश और चित्तौड़ का उत्तराधिकारी अभी जिंदा है। जिंदा है? कौन है वो पन्ना? राणा उदय सिंह। ये है वो, इन्हें तो आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। उदय सिंह, कमाल नदाद, पन्ना, ये तो तुमने कमाल कर दिया, चमत्कार हो गया। राणा वंश अमर हो। लेकिन 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 कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये सपना नहीं, सच है बड़ो हुकुम। बनवीर भी यही समझता है कि उसने इन्हें मार दिया है। फिर बनवीर ने किसको मारा था? बनवीर ने मेरे दोस्त चंदन को मारा था। चंदन? कौन चंदन? इनका बेटा बड़ो हुकुम। पन्ना धाय, तुम्हारा बेटा? यानी के महारानी कर्मावती की अंतिम निशानी बचाने के लिए तुमने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, चित्तौड़ और सिसोदिया वंश का नाश होने से बचा लिया। धन्य हो पन्ना धाय, तुम धन्य हो। मुझे तुम पर गर्व है। अब आगे आपको उनकी रक्षा करनी है और चित्तौड़ को वापस लेना है। तुम निश्चिंत रहो, आज से राणा जी का सारा भार मैं संभालूंगा। अन्नदात, टिकलिंग महाराज की सौगंध, जब तक मैं आपको चित्तौड़ के सिंहासन पर नहीं बैठा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। सालों बाद आशासा की देखरेख में राणा उदय सिंह बड़े हुए। उन्होंने एक कुशल योद्धा की शिक्षा ली। चित्तौड़ वापस लेने की तमन्ना उन्हें बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। तभी हमने एक बार नहीं बल्कि दो बार बनवीर को हराने की कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हमने शिकार खेलते समय भी बनवीर को
अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बनवीर वहां से भाग निकला। न जाने उसे इस बात का पता कैसे चल गया। आप लोग इतने दिनों से अपना पूरा जोर लगा चुके लेकिन कुछ नहीं कर सके। बनवीर एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो इस समस्या को हल करने के लिए कितने ही वर्षों से तड़प रहा है। राव जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह? हाँ, रानी कर्मावती का दूसरा बेटा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनकी हत्या तो खुद बनवीर ने की थी। सारा मेवाड़ इस बात को जानता है। लेकिन ये भी सच है कि चित्तौड़ के असली उत्तराधिकारी राणा उदय सिंह ही हैं। आपने जिसको उदय समझकर पाला है वो कोई और तो नहीं? नहीं जगमल जी, मैं उनको इतनी ही अच्छी तरह से जानता हूं जितना कि आपको। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि आपने जो कहा वो सच है? मैंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया है, जब से वो यहां आए हैं अपना बेटा समझकर ही मैंने उन्हें बड़ा किया है। आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिलों में अब भी शंका है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास। राव जी, मेरी आपसे विनती है। फरमाइए। मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा यदि आपको मेरी पुत्री चंद्रावती का विवाह राणा उदय सिंह से करने में कोई आपत्ति ना हो। आपत्ति? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठहरिए बाबू साहब, ठहरिए। मुझे आपत्ति है। मैं नहीं समझता इस समय विवाह करना मेरे लिए इतना आवश्यक है। तो आप ही राणा उदय सिंह हैं? खम्मा हुकुम खम्मा। आपसे मिलकर बहुत। आप कुछ फरमा रहे थे नंदाज। चित्तौड़ जब तक हाथ में नहीं आ जाता मैं शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता। मैं अभी चित्तौड़ ही से आ रहा हूं। वहां कई बार भेष बदल कर भी गया, लोगों से मिला, बहुत कुछ जानकारी भी हासिल की। चित्तौड़ का हर आदमी बनवीर से तंग आ चुका है। सेना में भी कानाफूसी चल रही। वो लोग बनवीर को हटाने के लिए बेचैन हैं। उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, राह दिखा सके। और वो आदमी जो उन्हें सही रास्ता दिखाएगा मैं हूं। एकलिंग जी महाराज, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे दूध की लाश रखी जाएगी। आज तूने वो दिन दिखला दिया है जब राणा जी यहां खड़े हुए हैं। भगवान करे कि मैं चंदन की मौत का बदला ले सकूं, चित्तौड़ की मान और मर्यादा को फिर से वापस ला सकूं। बेटा, राणा अमर हो, मेवाड़ अमर रहे। राणा, हम सबको आप पर गर्व है, हम सब आपके साथ हैं। मुझे इसी दिन का इंतजार था, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय और चाहिए। अनदात, चित्तौड़ में आप विजय सिंह से मिले थे? नहीं, लेकिन वो वहीं पर है। पढ़ो हुकुम, वो एक ऐसे विश्वसनीय सेनापति हैं जो हमें सही रास्ता दिखाने मदद कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन उन्हें वहां से बुलाया कैसे जाए? इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं, मैं अभी सब इंतजाम किए देता हूं। बड़ो हुकुम, आज कैसे याद किया आपने? आप यहां पधारे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन्हें पहचाना विजय सिंह जी? नहीं बड़ो हुकुम, अपने राणा को नहीं पहचान सके। राणा उदय सिंह? लेकिन इन्हें यहां पन्ना धाय बचाकर लाई थी। पन्ना धाय? ये वो महान देवी जिसने उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को सुला दिया था। खम्मा हुकुम। धन्य हो मां, धन्य हो। मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षक तुम धन्य हो। अन्नदात,
मैं और चित्तौड़ की पूरी सेना तन मन धन से आपके साथ है। लेकिन नाथ की सौगन, अब बनवीर का पासा पलटने में कोई देर न लगेगी। आपके आ जाने से हमारी मुश्किलें और भी आसान हो जाएंगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब हमें और देर नहीं करना है, फौरन तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जय एकलिंग। जय एकलिंग। जय जय। ये क्या बदतमीजी है, नाच क्यों बंद कर दिया? ये कौन शोर मचा रहा है? किसने रंग में भंग डालने की कोशिश की? मैंने। कौन हो तुम? तुम्हारा काल क्या कहा? कोई है इस वक्त यहां? कोई नहीं है बनवीर, सिर्फ मैं हूं। मुझे जानते हो? नहीं जानते ना? मैं वही हूं जिसे तू कई साल पहले मार चुका है, वही तेरा काल उदय सिंह। मगर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। हा? और चित्तौड़ जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हिम्मत है तो लड़कर लो। लड़कर ही लूंगा। मैं तुम्हारी तरह सोते और निहत्तों पर वार नहीं करता। अब मजा आएगा। उस दिन तो बच गए थे उदय सिंह, लेकिन आज नहीं बचोगे। यही तो देखना है कि आखिर तुम में दम कितना है। क्यों, अब मजा आया? लगाओ और जोर लगाओ। बनवीर, अब तेरा खेल खत्म हो गया है। मुझे छोड़ दो, चित्तौड़ की गद्दी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन लेकिन मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता बनवीर, कोई नहीं। आज मैं तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। नहीं, नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान? उस दिन तुझे भगवान याद नहीं आया जिस दिन तूने एक सोते हुए मासूम बच्चे को मार डाला? नीच कमीने, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ दो इसे। इस पापी को मार करके चित्तौड़ की धरती को गंदा मत करो। जाने दो इसे। चला जाओ, चला जा, और भूल कर भी चित्तौड़ की तरफ मुंह ना करना। चला जा। पन्ना दाई, तुम्हारा बलिदान, प्यार, देशभक्ति, इसी के कारण तो आज हमें चित्तौड़ वापस मिल सका है। कितना ऋण है तुम्हारा मुझ पर, मैं शायद इसे कभी अदा न कर सकूं। सच, मैं सच कहता हूं, अगर तुम न होती तो मैं न होता, ये सब कुछ न होता, कुछ भी न होता। पन्ना धाय अमर हो।